जैसा कि हमने देखा, दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के द्वारा जो बना बाईसा परिचय सम्मेलन करवाया जाना था, आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। वह इसकी शुरुआत बड़े ही भव्य तरीके से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना मात्र शक्तियों के द्वारा की गई। आइए जानते हैं कुछ पल यहाँ के अतिथियों से कि उन्हें यहाँ आकर कैसा अनुभव, उनकी विचारधाराएं दहेज के कार्यरत है। मैं गणपत सिंह राठौर, दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं आपके इस चैनल को भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारा ये बैठ लेने का आज ये प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये जो कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य क्या रहा, और मतलब जैसे आपने सोचा था उसके अनुरूप कुछ हुआ? बिल्कुल, जैसा कि हमारे यह 3 दिवसीय कार्यक्रम था, आज सगाई का आज पहला दिन है 7 तारीख, जिसमें सगाई के बायोडाटाज वगैरह और जो लड़के लड़कियों का परिचय सम्मेलन का आज जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, जो आप देख ही रहे हैं कि कितने अंदर आज भारी संख्या में लड़के लड़कियां आई है और उन्होंने एक दूसरे का अपना परिचय भी दिया है। कई लोग ऐसे ऐसे आए हैं जिन्होंने बायोडाटा सबमिट किए हैं। आज हमारा नॉन ग्रेजुएट से ऊपर वालों का, जो ग्रेजुएट ग्रेजुएट से ऊपर वालों का, इनका आज का तो तारीख रखी गई थी, और हमारे जो अपेक्षाएँ थी उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है और अच्छे अच्छे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब मेजर जनरल हमारे आशीष सिंह राठौड़ दिल्ली से पधारे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला जो खिलाड़ी हैं मैडम चौहान, इसके अलावा IAS RAS के अधिकारी लोग भी आज उपस्थित हुए हैं, और आज हमारा ये मनोबल बढ़ा रहे हैं कि आज ये समाज के हित के लिए जो आप ये जो मुहिम लेके चल रहे हो कि कम दिखाओ में अच्छी शादी हो और दहेज विरोधी सगाइयाँ और शादियाँ हो, दिखावा कम हो, इसके लिए हमारे को सपोर्ट करने के लिए आज बहुत सारे संगठन भी आज उपस्थित हैं जिनको हमने सम्मानित किया। धन्यवाद। देखो, एक क्षत्रिय समाज की तरफ से दहेज विरोधी एक बीड़ा उठाया है इन्होंने समाज के लिए। मैं जहाँ तक मेरी समझ है या जो मैं समझता हूँ कि राजपूत समाज ही आज की तारीख में एक ऐसा समाज है जो दहेज के बंधन में जकड़ा हुआ है। इस जकड़न को दूर करना है, उस जकड़न से निकालने के लिए ये संस्था जो है इन्होंने काम शुरू किया है, बेड़ा उठाया है। बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत अच्छा काम है। धन्यवाद। मैं सुश्री सरोज चौहान, फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, स्पोर्ट्स ऑफिसर से रिटायर हुई हूँ। भारत की पहली महिला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से NIS करके आई थी फुटबॉल में। राजस्थान से फर्स्ट लेडी मैं हैंडबॉल में NIS करके आई थी। माउंटेनियरिंग रॉक क्लाइंबिंग कोर्स किया, बेस्ट एथलीट रही, स्विमर रही, माउंटेनियर रही, साइक्लिस्ट रही। और आपकी दहेज के प्रति क्या विचारधाराएं हैं? दहेज लेना बहुत शर्म की बात मानती हूं मैं, और मैं इसी के लिए मैंने अविवाहित रही सारी ज़िंदगी में, क्योंकि आजकल हम लोग देखते थे कि भाई हमारे राजपूतों में शौक मौज बहुत ज़्यादा चल रहा था। कोई शराब का नशा करते हैं, कोई सिगरेट का सेवन करते हैं, कोई गुटखे का सेवन करते हैं, कोई दहेज के लोभी होते हैं। तो मेरे को इन चीज़ों से बहुत नफरत थी, तो मैंने एक एम रखा कि मैं मेरे माता पिता की सेवा करूँगी और अपना जिंदगी आराम से निकालूंगी। तो मैंने वो प्रण रखा, मैंने अपने माता पिता की खूब सेवा करी, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन रहे, और हमारे घर में जितनी भी शादियां हुई है वो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन और बिल्कुल जो नियम से चलने वाले हैं उन्हीं परिवारों में हमारी शादियां हुई है, और बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने दहेज वहेज का कोई लालच कभी नहीं किया। मेरे फादर ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अफसर रहे, और मैंने महिला होते हुए मतलब महिलाओं का काम में भी मैं एक्सपर्ट रही। ये नहीं है कि मैं गेम्स में हूँ तो मैं खाली महिलाओं के लिए। आपका कोई संदेश? मेरा संदेश ये है कि आत्मरक्षा और स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आप शिक्षित नहीं हैं या आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। आपको इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कुछ आगे बढ़ना है तो आपको शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, आत्मरक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप हर पल पे डिफीट खा जाएंगे। तो
इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शतरानी, जय भवानी। धन्यवाद।